महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के एक बयान से महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर घमासान शुरू हो गया है। नाना पटोले ने अपनी प्रतिक्रिया तो देर से दी है, लेकिन अपने बयान से उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नाना पटोले ने कहा है कि गुजरात की शुरू से ही महाराष्ट्र पर नजर है, आज यहां से वहां उद्योग गया है, कल पानी चला जाएगा, परसों ये मुंबई ले जाएंगे। नाना पटोले ने यह भी कहा कि बीजेपी के पास भ्रष्टाचार का ढेर सारा पैसा जमा हो गया है, ये पैसा दो उद्योगपतियों और दो नेताओं के बीच बंट रहा है। नाना पटोले ने कहा कि भय और भ्रष्टाचार के माध्यम से लोकतंत्र को ताक पर रख दिया गया है। पुणे के कांग्रेस के मंथन शिविर में वो बोल रहे थे। नाना पटोले ने यह भी कहा कि उन्होंने जब पीएम मोदी से ये विनती की कि ओबीसी समाज की बेहतरी के लिए एक ओबीसी मंत्रालय बनाया जाए, तो पीएम मोदी ने उनसे कहा था कि कई मंत्रालय खड़े हो गए हैं, अब मंत्रालयों को कम करने की जरूरत है, लेकिन फिर सहकारिता मंत्रालय क्यों शुरू किया? जिस इंसान को ये मालूम नहीं कि सहयोग और सहकार्य क्या होता है, उन्हें सहकारिता मंत्री बना दिया गया। नाना पटोले ने यह भी आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी ओबीसी वर्ग से नहीं आते हैं, बीजेपी ने उन्हें इस रूप में प्रोजेक्ट किया है। नाना पटोले ने कहा कि वो ये सच सामने लाकर रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, जबकि छुप छुप कर मुस्लिमों से बिरयानी खाते हैं। ये इस तरह की बातें भी नाना पटोले ने कही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दो दाढ़ी वाले राजीव गांधी की तरह चल कर दिखा सकते हैं क्या? यानी कांग्रेस मंथन शिविर में नाना पटोले पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर बोले। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज का दुख सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही समझ सकते हैं। नाना पटोले ने कहा कि अगर यह जानना है कि कांग्रेस ने देश को क्या दिया है, तो पहले यह जानना जरूरी है कि जब आजादी मिली तब देश में पर्याप्त सेना तक नहीं थी। कांग्रेस ने देश को खड़ा किया, देश के सभी समाज के लोगों को न्याय देने का काम किया। बीजेपी और आरएसएस का नारा है कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। उन्हें जाकर कोई ये बताया कि कांग्रेस के बिना देश का इतिहास पूरा नहीं हो सकता है। जिस समय पर नाना पटोले ये सारी बातें कह रहे हैं, उसी समय पर भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। इससे एक और मैसेज जाता है, भारत जोड़ो यात्रा निकलने के बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी तक आप देख रहे थे कि महाराष्ट्र की सियासत में तीन मोर्चों पर बयानबाजियां चल रही थी, बीजेपी, शिवसेना, उद्धव गुट और साथ ही साथ में एनसीपी भी कई मोर्चों पर शरद पवार की वजह से दिखाई पड़ती थी, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से शांत दिखाई दे रही थी। अब कांग्रेस भी धीरे धीरे मुखर हो रही है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद में राजनीति में कितना असर डाल पाएगी, खुद को कितना खड़ा कर पाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि जब भी इस तरह की यात्राएं निकलती हैं या नेता सामने होते हैं, तो कहीं ना कहीं नेता और कार्यकर्ता मोटिवेटेड फील करते हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र की सियासत में भी नाना पटोले अब पुरजोर तरीके से बीजेपी पर हमले करते दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने ये बड़ा हमला किया है। दरअसल यहां पर बात हो रही थी वेदांता फॉक्सकॉन डील की। वेदांता फॉक्सकॉन डील को लेकर एक बड़ी बहस चल रही है महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त। यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र से लेकर गुजरात को यह डील दे दी गई है। ये डील ऐसे समय पर हुई है जब महाराष्ट्र में सियासत बदली है, सरकार बदली है, सत्ता बदलने के साथ इतनी बड़ी 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की डील का शिफ्ट हो जाना गुजरात में, ये महाराष्ट्र के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका है। वहीं इस पूरे मामले पर उद्धव ठाकरे तो सामना में लिख रहे हैं, शाबाश शिंदे, आपको सीएम की कुर्सी मिल गई है, बदले में आपने गुजरात को ये पूरी डील गिफ्ट में दे दी है। वहीं कई गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तमाम राजनीतिक विपक्षी दलों की तरफ से। अब इस सबके बीच में कांग्रेस भी इस पर उतर आई है। कांग्रेस का कहना है कि वो कल पानी और फिर बाद में मुंबई को भी गुजरात को दे देंगे। मुंबई वो जगह रही है जहां जिसे माया नगरी कहा जाता है, व्यवसायिक राजधानी कहा जाता है, और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि व्यवसाय करने वाले चाहे गुजरात के ही लोग क्यों ना हो, उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको याद होगा कि जब भगत सिंह कोश्यारी जी ने एक बयान दिया था, जो कि राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा था कि गुजरातियों ने आकर यहां पर मुंबई में ये समृद्धि या व्यवसाय को बढ़ाया है, और इस बयान के बाद में कितना विवाद हुआ था, राज ठाकरे से लेकर तमाम लोगों ने कोश्यारी की होशियारी जैसे बयान दिए थे। बहरहाल ये गुजरात और महाराष्ट्र नज़दीक पड़ोसी तो हैं, लेकिन साथ ही साथ में एक कनेक्शन भी इन दोनों राज्यों के बीच में है। निश्चित तौर पर गुजरात व्यवसाय के लिए जाना जाता है, व्यवसायियों के लिए जाना जाता है, लेकिन मुंबई वो हब है जहां पर व्यवसाय परवान चढ़ता है। देश की व्यवसायिक राजधानी आज भी मुंबई बनी हुई है, तो ये एक समीकरण भी देखने को मिलता है। ऐसे में व्यवसायिक राजधानी के राज्य महाराष्ट्र से उठकर गुजरात में इस डील का चले जाना, ये बहुत लोगों को चुभ रहा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा आने वाले चुनाव में बनेगा। बहरहाल कांग्रेस भी इस मुद्दे पर मुखर हो गई है, वो कह रही है आज डील दी है, कल पानी और मुंबई भी गुजरात को दे दी जाएगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप
और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।